नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी कामना है कि आप ईश्वर की अनुकंपा से सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बृहस्पति रेखा व्यक्ति को धन, यश, प्रसिद्धि देती है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि मैं इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये हाथ में बृहस्पति की उंगली होती है और ये हाथ में इतना जो क्षेत्र होता है ये बृहस्पति पर्वत होता है। अब ये तो हो गई मस्तिष्क रेखा, ये हो गई जीवन रेखा। अगर इस पर्वत पर कोई रेखा जीवन रेखा से आ रही हो तो व्यक्ति को कर्मठ और मेहनती बनाती है। अगर बृहस्पति पर्वत पर कोई रेखा जीवन रेखा से आ रही हो तो व्यक्ति को कर्मठ बनाती है और बहुत मेहनती बनाती है। वह अपना लक्ष्य हासिल करने में दिन रात एक कर देता है और अंत में वह अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है। अंत में वह सफल हो जाता है अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए। अब दूसरी बृहस्पति रेखा की बात करते हैं। देखिए, जहां से रेखा शुरू हो ऐसे चलकर सूर्य की उंगली आ जाए, तीसरी उंगली के नीचे से जहां पर खत्म हो जाए। जिनके हाथ में इस तरह की रेखा होती है वो उत्तम भाग्य वाले होते हैं, वह दयालु स्वभाव वाले होते हैं और उनमें नेतृत्व लीडरशिप क्वालिटी करने की क्षमता होती है, उनमें सभी गुण होते हैं। ये रेखा जातकों को धन, पैसा, इज्जत, शोहरत सब कुछ देती है। इतना कुछ होने के बाद भी व्यक्ति का व्यवहार अहंकार से रहित होता है। इतना कुछ होने के बाद भी व्यक्ति में बिल्कुल अहंकार नहीं होता, बहुत सादा जीवन जीता व्यक्ति। समाज में उसकी एक अलग ही छवि होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत विद्वान और समझदार होते हैं जिसके कारण लोग इनसे कोई काम करने से पहले सलाह मशवरा लेने आते हैं। इनसे सलाह करते हैं कि भाई मैं ये काम करूं ना करूं, इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा। अब तीसरी तरह की बृहस्पति रेखा की बात करते हैं, जहां से शुरू हो और जहां पर पहुंच जाए, यानी ये होता है चंद्र पर्वत। चंद्रमा का स्थान होता है चंद्र पर्वत। अगर चंद्र पर्वत से रेखा बृहस्पति पर्वत तक पहुंच जाए तो जय रेखा व्यक्ति को उच्चतम लेवल, हाईएस्ट पोस्ट दिलवाती है, व्यक्ति को बहुत ऊंचे स्थान तक ले जाती है। देखने में आया है कि इस तरह के लोग अगर नौकरी करते हो तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, यानी बहुत ऊंचे स्थान पर होते हैं। इनकी ये अपनी कलम से किसी का भी अच्छा बुरा कर सकते हैं। इनके पास इतनी पावर होती है, बहुत बड़ी कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं। ज्यादातर देखने में आता आया है कि इस तरह के लोग नौकरी करते हैं। अगर इस रेखा से कोई रेखा बुद्ध की उंगली के नीचे तक जा रही हो, ऐसे जा रही हो, ये बुद्ध की उंगली है, बुद्ध की उंगली के नीचे तक जा रही हो तो इस तरह के व्यक्ति बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप के मालिक होते हैं। इनके बिजनेस की कई शाखाएं होती हैं, कई ब्रांचेस होती हैं और ये इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी गरीब लोगों की बहुत सहायता करते हैं। अगर हाथ में इस तरह की रेखाएं हो तो ये वो हाथ में बहुत ही लक्की साइन है, बहुत ही लक्की चिन्ह है। आप भी देखिए कि आप में हाथ में इस रेखा में से, तीनों रेखा में से अगर कोई भी रेखा मौजूद हो तो आप एक बहुत ही लक्की पीपल है, बहुत ही लक्की इंसान है। आपने ये मेरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।